टीम इंडिया आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के कप्तान विराट कोहली ने धर्मशाला टेस्ट के बाद दिए अपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स से दोस्ती वाले बयान पर यू टर्न लेते हुए कहा कि ये महज कुछ खिलाड़ियों पर लागू है। अगले हफ्ते से शुरू होने वाले आईपीएल से पहले विराट कोहली ने कुछ खिलाड़ियों को छोड़ बाकी ऑस्ट्रेलियन से रिश्तों को जस का तस बताया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद कहा था कि इस पूरी सीरीज के दौरान मैं विरोधियों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था, मुझे उन्होंने अलग से निशाना भी बनाया। इसके बाद एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने विराट कोहली से जब पूछा कि क्या स्मिथ और ऑस्ट्रेलियाई टीम अब भी उनके अच्छे दोस्त हैं, इसके जवाब में विराट ने कहा था कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, मैं पहले ऐसा सोचता था लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल गया है। कड़ी सीरीज को देखते हुए मैंने कहा था कि सीरीज में ऐसा चलता है लेकिन मैं गलत साबित हुआ। लेकिन अपने इस बयान को लेकर आज विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी बात लिखते हुए कहा, धर्मशाला टेस्ट के बाद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने ये बात ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में नहीं बल्कि कुछ खिलाड़ियों को लेकर कही थी। कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ मेरे अच्छे रिश्ते जारी रहेंगे जिन्हें मैं जानता हूं और जो आरसीबी के लिए खेलते हैं, मेरा उनसे रिश्ता नहीं बदलने वाला है। ये पूरा विवाद ऑस्ट्रेलिया और भारत सीरीज के दौरान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच हुई तीखी बहस के बाद शुरू हुआ, जब फील्डिंग के दौरान विराट कोहली के कंधे में चोट लग गई और इसके बाद ऑस्ट्रेलियंस ने मैदान पर उनका जमकर मजाक बनाया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।